अलैकुम, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी अच्छे हैं। तो अभी बैठे बैठे अचानक से प्लान बन गया हम सबका कहीं बाहर जाने का, और बाहर हम जा रहे हैं किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो किसका बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं वो भी हम आपको आगे व्लॉग में दिखाएंगे। और फैमिली के साथ जा रहे हैं, और फैमिली के भी कुछ ही मेम्बर्स हमारे साथ जा रहे हैं। तो कौन कौन जा रहा है और कहाँ जा रहे हैं वो हम आगे आपको कंटिन्यू करेंगे अपने व्लॉग में। और मेरी गुलाबों की तबीयत आज ठीक नहीं थी, बट जिसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है वो गुलाबों के लिए काफी स्पेशल है। तो गुलाबों जी तैयार हो गई जाने के लिए। तो जी आप वीडियो में बने रहिए और देखिए हम कहाँ गए थे, किसका बर्थडे सेलिब्रेट करा था और कौन कौन गया था। तो जी गाइज, आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हुरिया का बिलेटेड बर्थडे, जो कि नहीं सेलिब्रेट हुआ था। इस बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जब ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ना तो नहीं सेलिब्रेट हो पाता है, और इस बार उसका बहुत ज़्यादा मूड ऑफ था। तो मम्मी जब उसे गिफ्ट देने गई उसके बर्थडे के नेक्स्ट डे, तो वो बहुत ज़्यादा अफसोस में बैठी हुई थी, मुँह उसका बहुत ज़्यादा उतरा हुआ था। तो कह रही थी फूफो इस बार मेरे बर्थडे पे कुछ भी नहीं हुआ, केक भी नहीं कटा, कोई आया भी नहीं, और कहीं बाहर घूमने भी नहीं गए, क्योंकि हफ्सा भी नहीं थी, भाभी भी नहीं थी, तो कोई प्लान बनाया ही नहीं बाहर घूमने का। फिर भाइयों ने कहा एक काम करिए, आप सब लेडीज़ पापा के साथ चली जाइए, अमरीक सुखदेव ले जाइए, वहाँ पे आउटिंग हो जाएगी और इसका थोड़ा सा दिल भी बहल जाएगा। तो फिर हम सब जल्दी से रेडी हो गए, मामू जी के साथ घर से निकल गए थे और हम लोग पहुँच गए थे अमरीक सुखदेव। रास्ते में भी हमें अच्छा खासा ट्रैफिक मिला था, क्योंकि वीकेंड था और अमरीक सुखदेव पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती ही है, और आज एक्स्ट्रा थी क्योंकि वीकेंड था, तो क्राउड होना कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ हम लोग पहुँच गए थे, सबकी बैटरी लो हो रही थी, लेकिन हुरिया की खुशी के लिए सब चले गए थे। मम्मी की भी आज तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन ये हो रहा था कि यार उसका दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो चलो उसको डिनर करवा देते हैं, डिनर कर लेते हैं उसके साथ और थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, सब उसका दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ पहुँचे, यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, हमें मतलब ये सोच रहे थे हम कि कैसे हमें टेबल मिलेगी, तो सब वेटिंग में कहीं ना कहीं खड़े हुए थे। तो मम्मी, मुमानी, खालम्मी, हुर्रिया, मामू जी, मैं, हम सब वेटिंग में थे कि कहीं टेबल मिल जाए। मम्मी को तो हमने चेयर पे बिठा दिया था, क्योंकि इनसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता है, लेकिन टेबलों पे नज़र थी कि कहीं से कोई टेबल अवेलेबल हो जाए। खैर हमें मिल गई थी क्योंकि छोटी फैमिली थी, लेकिन बहुत दिल अफसुरदा हो रहा था क्योंकि कोई भी भाई हमारे साथ नहीं था, और भाइयों के बिना ना मतलब हमें घूमने जाना ऐसा लगता है कि अधूरा अधूरा सा है। लेकिन बस चले गए थे और फाइनली हमें टेबल मिल गई थी, और यहाँ ये अपना वो दिखा रही थी, और उसके बाद ये खुश थी यार, इसकी खुशी के लिए गए थे, क्योंकि सबको अपने बर्थडे का क्रेज़ होता है, तो उसे थोड़ा था इस बार उसका सेलिब्रेट नहीं हुआ, लेकिन फिर चले गए थे। और हफ्सा रानी भी नहीं थी, क्योंकि हफ्सा रानी के बिना तो हम लोग कहीं जाते ही नहीं है, तो सबका दिल उसमें भी पड़ा हुआ था, और सब थोड़ी थोड़ी देर पे कह रहे थे हमारी बच्ची नहीं है, बच्ची होती है उसका ना एक अलग ही है, वो बच्ची सबसे, उस बच्ची का एक अलग ही लेवल है सबके लिए, और वो नहीं थी, सब उसे मिस कर रहे थे बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ खालम्मी और मैं कुछ बात कर रहे थे, फिर यहाँ पे खाना आ गया था, हमने मंगाई थी दाल मखनी, नान, दो पराठे और एक छोले भटूरे की प्लेट, जो कि छोले भटूरे बिल्कुल अच्छे नहीं थे, लेकिन बस खा लिए थे, लेकिन दाल मखनी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और सबको इतनी तेज़ भूख लग रही थी कि किसी ने ज़्यादा शूट करने का टाइम ही नहीं मिला किसी को। और उसके बाद हुरिया और मेरे लिए आई थी एक कोल्ड कॉफ़ी, मम्मी और मम्मी और मामू जी खालम्मी के लिए लस्सी आई थी। उसके बाद डिनर करके हम लोग यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो मैं यहाँ का शूट कर रही थी। फिर यहाँ से निकलते हुए हम बाहर थोड़ा सा घूमे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं, तो शॉप्स हैं, तो हमने वहाँ भी घूमे फिरे, थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया। बस ये था कि अब बाहर आए हो तो थोड़ा सा फ़ोटो सेशन होना चाहिए कि आप सबके साथ आए हो, कौन कौन आया है, हालाँकि बहुत सारे लोग इसमें मिसिंग थे, बहुत सारे। और उसके बाद बाहर निकले तो बाहर निकल के हमें झूले भी दिख रहे थे, जिसे देख के हमें बार बार हफ्सा की याद आ रही थी, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे तो वो उस बच्ची ने सारे झूलों में राइड करी थी। उसका ना बहुत दिल होता है, वो मतलब कोई जाए ना जाए वो सबके साथ जाती है, सबके बर्थडे का केक वो काटती है, और उसका ना बहुत याद आ रही थी उसकी, उसके बिना अधूरा अधूरा लग रहा था। फिर कोई भाई भी नहीं था तो और ज़्यादा दिल ख़राब हो रहा था कि कोई नहीं है, उसका हुरिया का खुद का दिल ख़राब हो रहा था कि यार भाई भी होने चाहिए थे सब, लेकिन कुछ कार का इशू हो गया था इस वजह से कोई भाई भी नहीं था, बस हम ही लोग थे, वो भी एडजस्ट करके हम लोग मामू जी ले गए थे सबको, क्योंकि मामू जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसका मुँह उतरा हुआ है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मम्मी की एक लौती ही भतीजी है, तो उसके लिए ना बस सब अवेलेबल थे कि चलो यार इसका दिल खुश हो जाए, इसके बर्थडे को थोड़ा सा
डिनर पे चले जाते हैं, आउटिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो ये और मैं और मेरी अप्पी सानी अप्पी हम लोग कहीं गए भी नहीं। अब मैंने इसे कहा था कि प्लान बना लो, तो इसने कहा था एग्ज़ाम हो जाए फिर प्लान बनाते हैं, कहीं घूम के आते हैं। लेकिन खास बर्थडे वाले दिन ये बेचारी घर में ही थी, कुछ भी नहीं किया इसने। तो उसके बाद यहाँ पे हम घूम रहे थे, हफ्फू के लिए देख रहे थे टॉयज़ वगैरह, और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी ज्वेलरी वगैरह भी देखी। बहुत अच्छा, मुझे अच्छी लगती है यहाँ के शॉप्स। यहाँ पे एडी की ज्वेलरी भी बहुत अच्छी होती है, और यहाँ पे की रिंग्स वगैरह भी हम देख रहे थे, काफ़ी अच्छे थे। बच्चों के लिए छोटे छोटे सामान अच्छा होता है, और जहाँ बच्चे आते हैं ना, यहाँ ज़िद ज़रूर होती है, हमारी हफ्सरानी की ज़िद ज़रूर होती है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और उसकी इतनी क्यूट सी बातें होती है कि बस इतने का तो है, दिला दीजिए ना, और बहुत अच्छी लगती है मुझे उसकी बातें। फिर हमने यहाँ पे ज्वेलरी भी देखी, यहाँ से हुरिया ने एक नेक पीस लिया था छोटा सा। उसके बाद हम लोग आगे भी घूमे, बस उसके बाद ना बस ये हो रहा था कि चलो घूम लो फिर लो, और थोड़ी थोड़ी देर पे खुद ही कह रही थी कि बताओ यार ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी होता, ये भी होता, मतलब उससे सब ये था कि सब हो लेकिन अवेलेबल हो नहीं पाए सब। तो उसका, हालांकि उसका बर्थडे हम हर साल कोशिश करते हैं कि यहीं पे मनाएं, उसका बर्थडे यहीं मनता था। और यहाँ मामू जी बहुत थके हुए थे, हम सबको लेके गए थे लेकिन बहुत थक रहे थे वो, तो वो सब घुमा रहे थे। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है हमारे बड़ों में कि हमारे बड़े बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, चाहे मैं हूँ, हुरिया हो या कोई भी अप्पी हो, सब के लिए सब कुछ होता है। और यहाँ पे हम खड़े हुए, हमने सुखदेव की वीडियो बना रहे थे, और हम मम्मी खाला में मामू जी का इंतज़ार कर रहे थे, मुमानी का, ये लोग अंदर गए थे। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे, और यहाँ से निकलने के बाद मामू जी के साथ हम आगे जा रहे थे पार्किंग की तरफ, कार पार्क हुई हुई थी। और मैंने कहा था कि आप सब आ रहे हो तो आप सब एक उसमें तो आ जाओ वीडियो में, तो ये सब आ रहे थे बातें करते हुए आराम से चलते हुए। और घर भी हम काफ़ी ज़्यादा लेट आए थे रात को, और आके मतलब थक गए थे, उसके बाद फिर डायरेक्ट सो गए थे, और सोने के बाद बहुत लेट उठे। और मेरी गुलाबो जी भी काफ़ी खुश थी, क्योंकि अच्छा लगता है यार फैमिली के साथ एक आउटिंग ना, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। फिर हम लोगों ने सोचा कि नेक्स्ट टाइम हमारा थोड़ा कार का इशू सॉल्व हो जाए तो सब मिलके आएंगे और यहाँ पे फैमिली डिनर करेंगे। यहाँ गुलाबो जी को लेके मैं आराम आराम से चल रही थी, मैं कह रही थी मम्मा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपको धक्का दे के चलवाना पड़ रहा है, क्योंकि उनसे वाकई नहीं चला जा रहा था, बहुत परेशानी से चल रही थी, और वो मैं बातें करते हुए चल रहे थे। फिर हुरिया ने हमारी वीडियो भी बनाई थी, और उसके बाद वो मम्मी बोली कि मुझे हुरिया के साथ भी एक वीडियो बनानी है। फिर हुरिया और मम्मी की मैंने वीडियो बनाई थी, और आगे सब हमारा इंतज़ार कर रहे थे। अभी वहाँ पे आगे खाला मम्मी और मुमानी हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारी नौटंकी देख रहे हैं चलते हुए की, और हम आ रहे हैं बातें करते हुए, और वो दोनों वहाँ पर मामू जी का इंतज़ार कर रहे हुए थे। होप आपको हमारा ये छोटा सा मिनी ब्लॉग पसंद आया होगा। बस हम हुरिया की खुशी के लिए गए थे, हालांकि केक उसका यहाँ पे भी नहीं कट किया, और बस वही रह गया था। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। और देखिए यहाँ खाला मम्मी और मानी मामू जी का इंतज़ार कर रही थी, हमारा इंतज़ार कर रही थी, और फिर ये सब आके खड़े हो गए थे। मैंने कहा था कि आज मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग आप सबसे करूँगी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और ये देखिए यहाँ पे इन सब ने कर दिया है अल्लाह हाफिज़।